सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोस के गाइस, नोटिफिकेशन कुछ मिल दिनों से सके। पीटीए की तरफ से एक मैसेज रिसीव हो रहा है जिसमें लिखा है कि अगर आपका मोबाइल फोन कंप्लीट मोबाइल सिम बेस्ड डिवाइस नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकेंगे 20 अक्टूबर 2018 के बाद। आप अपने मोबाइल की अवेलेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, बात करेंगे इस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आप जो भी मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका एक IMEI नंबर होता है जो कि किसी भी मुल्क की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास सेव होगा। अगर हम बात करें IMEI की तो इससे मुराद है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये एक नंबर है जो कि 15 डिजिट का होगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिम जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, तो आपका IMEI नंबर और आपकी सिम कार्ड का जो नंबर है इसको कंबाइन कर दिया जाता है जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग हो सकती है। आपकी मोबाइल डिवाइस का IMEI नंबर और सिम कार्ड को कंबाइन करके ये चेक किया जा सकता है कि कौन सी डिवाइस के अंदर कौन सा सिम कार्ड यानी कि जो नंबर है वो यूज़ हो रहा है। लेकिन आपका जो IMEI नंबर है मोबाइल फ़ोन का उसको मल्टीपल भी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक मोबाइल फ़ोन का जो IMEI है वो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर चल सकता है जिसकी वजह से उसको ट्रैक करना मुश्किल है। सो आपके मोबाइल डिवाइस का IMEI नंबर और आपके सिम कार्ड के नंबर को कंबाइन कर दिया जाता है जिससे आपकी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी और आपका नंबर जो है वो लॉक हो जाएगा उस IMEI नंबर के साथ। सो इसी वजह से PTA ने ये कहा है कि जो मोबाइल फ़ोन 20 अक्टूबर 2018 से पहले रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन जो अभी आपके पास है उसको आपको एक्टिव करना होगा और आपको चेक करना होगा आपका मोबाइल वैलिड है कि नहीं। इसके लिए सिंपली आपको मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो सेंड करना पड़ेगा 8484 पर। और अगर आपको नहीं पता IMEI नंबर कैसे निकालते हैं तो यहाँ पर दो मेथड है IMEI नंबर को निकालने के। सिंपली आपको डायल करना पड़ेगा *#06# और आपका IMEI नंबर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप मोबाइल की सेटिंग में जाकर अबाउट मोबाइल के ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं आपका IMEI नंबर क्या है मोबाइल डिवाइस का, और आप उसको सिंपली सेंड कीजिए 8484 पर और आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा आपका मोबाइल का जो IMEI है वो वैलिड है और आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स वॉज ऑल अबाउट PTA। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि क्यों मोबाइल फ़ोन जो है 20 अक्टूबर 2018 के बाद यूज़ नहीं किया जा सकेगा जो कि वैलिड नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसके सब्सक्राइब कीजिए। आई विल गेट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।